नमस्ते गाइस, आशीष हियर फॉर नमस्ते टेक। और इस वीडियो में मैं करने वाला हूं कंपैरिजन ऑनर 7X और ऑनर 9 लाइट के बीच में। ये दोनों फ़ोन के प्राइस में काफ़ी डिफरेंस नहीं है, 1-2 हज़ार का ही डिफरेंस है और काफ़ी ओवरलैपिंग है अपने स्पेसिफिकेशंस और अपने कैमरा के। तो आइए देखते हैं इसके डिफरेंसेस। शुरू करते हैं ऑनर 9 लाइट में, जिसका रियर कैमरा जो है प्राइमरी कैमरा वो 13 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का है। इसका फ्रंट कैमरा भी सेम सेंसर का है। जो 2 मेगापिक्सल का कैमरा है वो ब्लर इफेक्ट या बोके इफेक्ट लाने में यूज़ होता है। इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग 1080p पे होती है। अब बात करते हैं ऑनर 7X की, जो कि काफ़ी पॉपुलर है और हमारे कंपैरिजन में ऑनर 7X काफ़ी अच्छा आया है। ये एक 16 मेगापिक्सल का प्राइमरी शूटर है जिसके साथ 2 मेगापिक्सल का शूटर आता है, बट फ्रंट में सिर्फ एक 8 मेगापिक्सल का कैमरा है। ये वीडियो रिकॉर्डिंग 1080p पे ही करता है। हालांकि दोनों के सॉफ्टवेयर में कोई डिफरेंसेस नहीं है, बट क्योंकि ऑनर 9 लाइट जो है EMUI 8.0 पे रन करता है, इसमें सॉफ्टवेयर के कुछ फीचर्स ज़्यादा है कंपेयर टू 5.1 जो कि ऑनर 7X में है। जब ये रोल आउट आ जाएगा दोनों में तो ये दोनों सेम हो जाएंगे उस पर्सपेक्टिव में। काफ़ी कंपैरिजन करने के बाद और काफ़ी लो लाइट्स और हाई लाइट्स और SDR फोटो खींचने के बाद काफ़ी सरप्राइजिंग था कि ऑनर 9 लाइट इतना इफेक्टिव नहीं है जितना उसे होना चाहिए था, स्पेशली वो 2 कैमरा फ्रंट के साथ। बट ए ब्लर इफेक्ट ऑनर 9 लाइट का बेटर है, नो डाउट। अब देखते हैं कुछ कैमरा सैम्पल्स। तो ये आप देख सकते हैं डे लाइट में डिटेल्स काफ़ी अच्छी हैं ऑनर 7X में। ऑनर 9 लाइट में थोड़ा सा कलर ऑफ हो जाता है। सेम इस DSLR का डिटेल्स काफ़ी अच्छा मिल रहा है। कलर रिप्रोडक्शन 7X का बहुत ही अच्छा है। 9 लाइट में थोड़ा सा आर्टिफिशियल लग रहा है देखने में, सेम क्लेस इन फ्लावर्स के साथ भी। अब देख सकते हैं थोड़ा सा लो लाइट का सिनारियो, और 7X का रिप्रोडक्शन मच बेटर है, शार्पनेस मच बेटर है इस केस में भी। तो हमने एक्सपेक्ट किया था कि शायद 9 लाइट बेटर आएगा। आप लो लाइट में देख सकते हैं डिटेल्स आपको बहुत नेचुरल मिल रहे हैं, जो कि 9 लाइट में मिसिंग है। ये एक थोड़ा सा शेडी पार्ट है, अगेन डिटेल्स बेटर है, जो हम लोगों को काफ़ी पसंद आया ऑनर 7X पे। ये फ्रंट का है तो आप देख सकते हैं कि ऑनर 7X का फ्रंट कैमरा में ब्लर थोड़ा सा कमज़ोर है, जबकि ऑनर 9 लाइट में ब्लर इफेक्ट काफ़ी इफेक्टिव है। अगर आप सेल्फी यूज़र है और आपको ब्लर इफेक्ट चाहिए तो आप ऑनर 9 लाइट पिक कर सकते हैं, जिसमें कि लेटेस्ट सॉफ्टवेयर भी है और आपको फेस अनलॉक भी आने वाले अपडेट में मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये था हमारा कंपैरिजन ऑनर 7X और ऑनर 9 लाइट का, कौन सा फ़ोन आपको लेना चाहिए। इसके लिए मैं कहूँगा कि अगर आप सेल्फी पर्सपेक्टिव से ऑनर का फ़ोन लेना चाहते हैं, आप ऑनर का ही फ़ोन लेना चाहते हैं और सेल्फी का जोर ज़्यादा है, आप बोके इफेक्ट या पोर्ट्रेट इफेक्ट देखना चाहते हैं, तो आप ऑनर 9 लाइट ले लीजिए। बट अगर आपका प्राइमरी फ़ोटो लेने का जो काम है आप पसंद करते हैं, फ्रंट कैमरा आपका, रियर कैमरा आपका पावरफुल होना चाहिए, तो ऑनर 7X लीजिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पे।